यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 76% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। सिर्फ 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके करोड़ों का रिटर्न जनरेट करने वाला अगर कोई तरीका है ना, तो उस तरीके को बोला जाता है SIP। SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप महीने का सिर्फ 500 500 करके इन्वेस्ट करते हो, और ये 500 का इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के बाद करोड़ों का रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ SIP इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको वहां से करोड़ों का रिटर्न मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको सही जगह पे SIP इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको सही तरीका से SIP इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाकर आपको SIP से लंबे समय के बाद करोड़ों का रिटर्न मिल सकता है। अब सही जगह क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो ना, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जगह पे SIP इन्वेस्टमेंट करने से आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हमें क्या चाहिए? हमें एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए और हमें अपने पैसों पे रिस्क भी कम चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, क्योंकि हम SIP कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में ही करते हैं। तो आपको पहले समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। तो देखिए, दो तरह का बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई फंड मैनेजर बैठा हुआ रहता है, और वो फंड मैनेजर एक्टिवली उस फंड को मैनेज करता है। वो फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से उस फंड के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि कुल मिलाकर एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि उस एक्टिव म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई फंड मैनेजर बैठा है, और वो फंड मैनेजर अपने दिमाग के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस फंड को मैनेज कर रहा है, उस फंड को मेंटेन कर रहा है, तो उसी फंड को बोला जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। इतना बात क्लियर है। दूसरी तरफ पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि पैसिव म्यूचुअल फंड कोई ना कोई इंडेक्स का कॉपी होता है। इंडेक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स इंडेक्स हो गया। तो पैसिव म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर रहता है, उस फंड मैनेजर को उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड कोई ना कोई इंडेक्स को कॉपी करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो अगर कोई पैसिव म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50 का, तो वो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 की कंपनी है, वही टॉप 50 की कंपनी में वो पैसिव फंड इन्वेस्ट करेगा। और निफ्टी 50 में जो टॉप 50 की कंपनी में जितना जितना परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है निफ्टी 50 में, सेम टू सेम वही परसेंटेज में पैसिव फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसीलिए पैसिव फंड का जो फंड मैनेजर रहता है, उसको उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, वो बस कॉपी पेस्ट करता है, इंडेक्स फंड का कॉपी पेस्ट करता है, चाहे वो सेंसेक्स का हो, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, राइट? तो एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंड जहां पर उस फंड को एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, और पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंड जहां पर पैसिवली मैनेज किया जा रहा है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें SIP इन्वेस्टमेंट एक्टिव म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, और हमें रिटर्न कौन से फंड में ज़्यादा मिलेगा, एक्टिव फंड में मिलेगा या फिर पैसिव फंड में मिलेगा। सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि SIP इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में SIP करें या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड में SIP करें, ये जानने से पहले आपको ये दोनों फंड का कंपटीशन को जानना पड़ेगा। तो देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक एक्टिव म्यूचुअल फंड टोटली उस फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो फंड मैनेजर का डिसीजन सही निकला तो वो फंड जरूर ग्रो करेगा, लेकिन अगर वो फंड मैनेजर का डिसीजन गलत निकला तो वो फंड डिग्रोथ में चला जाएगा। एक्टिव म्यूचुअल फंड टोटली एक फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, अगर वो फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो अच्छा रहेगा, तो वो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। लेकिन वो फंड मैनेजर का अगर कभी दिमाग उमक सनका, अगर वो फंड मैनेजर का कभी दिमाग उमक खराब हुआ, अगर गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो फंड डूब भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये एक रिस्क पॉइंट रहता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी रहता है। इतना बात क्लियर है। दूसरी तरह पैसिव म्यूचुअल फंड में ये खतरा नहीं रहता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर का उतना दिमाग नहीं चलता है। पैसिव म्यूचुअल फंड कोई ना कोई इंडेक्स का कॉपी होता है। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो पैसिव म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 का कॉपी रहता है। तो निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश का टॉप 50 कंपनी। तो देश का टॉप 50 कंपनी तो इतना आसानी से नहीं गिरता है, या फिर देश का टॉप 50 कंपनी तो रातों रात खत्म नहीं हो सकती, राइट? अगर देश का टॉप 50 कंपनी रातों रात खत्म हो जाती है तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश का टॉप 50 कंपनी से ही हमारा देश का इकोनॉमी टिका हुआ है, राइट? तो देश का टॉप 50 कंपनी में अगर हम पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए वो अच्छा साबित हो सकता है, राइट? तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है वो फंड मैनेजर के ऊपर। पैसिव म्यूचुअल फंड में पूरा देश का इकोनॉमी पर डिपेंडेंसी रहता है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। अब जाहिर सी बात है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर रहता है वो एक्टिवली उस फंड को मैनेज करता है, पूरा अपना दिमाग लगाता है, पूरा मेहनत करता है, पूरा मेहनत से उस फंड को मैनेज करता है, तो उसके लिए तो वो लोग कमीशन ज़्यादा लेगा ही, राइट? तो इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। और पैसिव म्यूचुअल फंड में, जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए पैसिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? उसके बाद एक्टिव म्यूचुअल फंड में कई बार आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो कि एक्टिवली उस फंड को मैनेज करता है, तो इसलिए कई बार रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन डेटा ये भी कहती है कि 80% एक्टिव म्यूचुअल फंड पैसिव म्यूचुअल फंड को बीट ही नहीं कर पाता है। ध्यान से समझना, डेटा ये भी कहती है कि 80% जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होती है ना, वो पैसिव म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाता है, ये भी डेटा कहती है। तो भाई हम काहे ला इतना रिस्क लें, क्यों हम इतना रिस्क लें जहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा देना पड़ता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है। अगर उस फंड मैनेजर का कैलकुलेशन गलत निकला तो भाई भुगतना तो हमें भी पड़ेगा, राइट? तो हम काहेला एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, पैसिव म्यूचुअल फंड में हमें कमीशन भी कम देना पड़ता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड में किसी एक पर्सन का दिमाग नहीं चलता है, फंड मैनेजर का दिमाग नहीं चलता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में देश का टॉप 50 कंपनी या फिर देश का टॉप 30 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो देश का इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या फिर दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड में किसी एक पर्सन के ऊपर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट करना सही है, ये आप डिसाइड कर लेना कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने तो बस आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि एक्टिव म्यूचुअल फंड यानी कि फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करता है, पैसिव म्यूचुअल फंड यानी कि वो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड यानी कि देश का टॉप 50 कंपनी, देश का टॉप 30 कंपनी, राइट? तो मेरे हिसाब से तो इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव म्यूचुअल फंड सही हो सकता है। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन तो आप ही लोगे। SIP करना है या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट कर देना, राइट? मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड पैसिव म्यूचुअल फंड सही हो सकता है, करेक्ट है? तो चलिए अब हम मोबाइल से समझते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल से पैसिव म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंजलोन में अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब अगर आपको किसी पैसिव म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको सर्च कर लेना है। सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिया। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा फंड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा कंपनी का फंड आ चुका है। अब यहाँ पे आप जो चाहे वो कंपनी के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो ना, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ गया, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ गया, DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ गया, राइट? अब पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये सब हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग सीख पाओ इसलिए मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा दिया कि इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स फंड में, किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च कर लेना है। सेंसेक्स में करना है तो आपको सिंपली सेंसेक्स इंडेक्स फंड सर्च कर लेना है। उसके बाद काफ़ी सारा सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड होगा वो आपके सामने आ जाएगा, राइट? जैसे ही आपके सामने आ जाएगा उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कंपनी के फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला कंपनी के फंड में इन्वेस्ट करना है, उस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप उसका डेटा वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 76% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन इस रिटर्न को देख के आपको पगला वगला नहीं जाना है, ये फंड बस शुरू ही हुआ था 2023 में, तो बहुत ही कम समय का पीरियड है, इसीलिए रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड को। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिंपली इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, SIP वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे, आप वहां से SIP आपका जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है कि कैसे आप अपने मोबाइल से SIP को शुरू कर सकते हो, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, राइट। और हाँ, डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।